1971 की अगर बात करें तो अगर बांग्लादेश हमारे साथ होता आज हम भी तेजी से ग्रो कर रहे होते, मतलब आबादी ज्यादा होती, यूनाइटेड होते, तो या फिर बांग्लादेश भी हमारे साथ रहकर नीचे ही आ जाता, बांग्लादेश का भी बड़ा करके होना था। दोस्तों बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने 5वीं बार चुनाव जीत लिया है और शेख हसीना इंडिया को बांग्लादेश का सबसे बड़ा दोस्त मानती है। दोस्तों आ देते हैं पाकिस्तानी मीडिया बांग्लादेश के बारे में क्या कह रहे हैं। एकदम उसके पीछे वैलिड रीजन है कि हमने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया हुआ। अगर हमने अच्छा उनके साथ 71 में जब अलहदगी हुई है, अलहदगी होती है अच्छे तरीके से होती है हमारे, उस वक्त आपकी बयान सुन लें, आप अपने भुट्टो साहब के बयान सुन लें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अपनी हुकूमत के लिए भुट्टो साहब ने उसको तोड़वा दिया। अगर वो जो है मुजीबुर रहमान को हुकूमत दे देते तो ये कभी भी ये आपका आज बांग्लादेश पाकिस्तान होता। यानी उनको क्या क्या हकूक यहाँ नहीं मिले थे? उनको कुछ भी नहीं मिला था। जब देखें अब भुट्टो हार गए थे, इनके दोनों का डिसाइडेड था कि जो जीतेगा वही दोनों साइड की पाकिस्तान का ईस्ट और वेस्ट का प्रेसिडेंट होगा, तो भुट्टो साहब अपनी ज़ुबान से पीछे हट गए थे और बहुत बुरा उनके सलूक किया, यहाँ तक लफ्ज़ है कि ये काले, ये छोटे कद के, ये हम पे हुकूमत करेंगे, ये अल्फाज थे। और इसका फ़ायदा पूरी तरह से इंडिया ने उठाया, इंडिया ने उनको वेपन्स भी सप्लाई किए, उनको ट्रेनिंग्स भी दी और उन्होंने अलहदगी की तहरीक चलाई जिसमें वो सक्सेसफुली अलहदा हो गए। लेकिन उन्होंने अच्छा मुझे ये बताएगा कि कौन कौन से राइट्स वो मांगना चाह रहे थे हमसे? जी मैडम, इंडिया में आप देख लें कि आई थिंक सो मोर देन 15 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। हम लोग एक चीज़ के पीछे लग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ना पैशनेटली कहते हैं इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं, तो हम उसको किसी को राइट नहीं देते। अगर बंगाल में बंगाली बोली जाती है तो इट्स नॉट अ बिग कंसर्न, उनको बोलने दिया जाए। उनकी तमिल जुबान है, उनकी बहुत सी जुबानें हैं भारत के अंदर। बिल्कुल, उनकी मोर देन 15 लैंग्वेजेस हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं उनकी। अब आप इंडस्ट्रीज देख लें, अब बॉलीवुड उनका मेरे ख्याल जीरो पे आया हुआ है, बहुत नीचे आया हुआ है एज कम्पेयर टू उनकी अदर इंडस्ट्री के, तो उनको उसका इशू नहीं है कि उनको बंद कर दें, ताकि बॉलीवुड भी उनका काफ़ी अच्छा चल रहा है। पिछले आप 5-10 साल में देखेंगे उनका वो लेवल नहीं जो बहुत ज़्यादा उसका एक हाइप होती थी उनकी अपनी इंडस्ट्री ने, क्योंकि वो देखते हैं कि बाकी एरिया में तो बिजनेस आ रहा है ना, अगर इसका काम हो रहा है उनका ज़्यादा हो रहा है, इट्स पार्ट ऑफ द बिजनेस। अभी हम अगर बांग्लादेश और इंडिया का सिनेरियो देखते हैं तो आपस में काफी ज्यादा फ्रेंडशिप भी है, भारत ने उनकी काफी हेल्प भी की है, जब भी वो क्राइसिस में होते हैं तो उनकी हेल्प कर दी जाती है, ट्रेड आपस में बड़ी ज्यादा है। फिर बांग्लादेश ने रिसेंटली बोल भी दिया था कि वी आर द पार्ट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, अब क्या कहते हैं उनकी फ्रेंडशिप के बारे में? मैडम मैं फिर वही कहूँगा कि उनकी मजबूरी है, इंडिया ने सिर्फ चाइना और पाकिस्तान से बिगाड़ के रखनी है। चाइना मकसद है कि अमेरिका की आंखों में वो अच्छा रहे, अमेरिका की नज़रों में रहे, क्योंकि अमेरिका को चाइना से इशू है, उसने पूरी पॉलिटिक्स खेली अपनी कंट्री के लिए, जैसे आज हम अपनी कंट्री के लिए अब खेलने का सोच रहे हैं, तो इसी वजह से उनकी मजबूरी है कि पाकिस्तान के साथ उन्हें रिवेंज लेना है कि जो हमने उनका तोड़ा है इंडिया, उसका उनको है कि जो भी है इनके जंग करें वापस लें, जो उनका इंशाल्लाह पॉसिबल नहीं है, वी आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। बांग्लादेश जब भी मुसीबत में हुआ ना, हमने कौन सी वहाँ फाइनेंशियल एड भेजी है मुझे बताएं जो वो हमारा साथ देंगे? देखिए अफगानिस्तान का भी यही सारा सीन है, वहाँ पर भी भारत की बहुत इन्वेस्टमेंट है, बांग्लादेश के अंदर भी है, दैट्स वाई उनकी जो रिलेशनशिप है वो आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैडम इंडिया जो है ना, जब अफगानिस्तान अभी जब तालिबान की हुकूमत आई है, सबसे पहले जो एम्बेसी बंद हुई थी ना उनमें से इंडिया की एम्बेसी थी, उनको डर था कि हमें मार देंगे, लेकिन जब वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आए ना, उन्होंने देखा कि अफगानियों को पैसों की ज़रूरत है और हम इधर से सॉफ्ट कॉर्नर से एंटर हो सकते हैं, तो वो फिर एंटर हुए हैं। अदरवाइज वो आपको पता है वहाँ पर डैम बन रहा है कुनहार रिवर के ऊपर, वो भारत बनवा रहा है बांग्लादेश में, अफगानिस्तान जी बिल्कुल बनवा रहा है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है उधर। चाहते हैं कि उनके इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हों? मैडम वो मेजरली चाहते हैं कि इंडिया के साथ अच्छे हों और पाकिस्तान से अच्छे ना हों, वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का वे आउट है कि कौन डिस्टेबलाइज करे, इंडिया इंडिया करेगा ना। देखे ना सर मेरी बात सुनिएगा, अभी अफगानिस्तान को जब जरूरत होती है हम साथ नहीं देते, हिस्ट्री का उनको गुस्सा है, तो क्या मतलब इसमें भारत की साजिश है? देखिए कुछ गलतियां हमारी भी है जिनको हमें मानना पड़ेगा। 1971 की अगर बात करें तो अगर बांग्लादेश हमारे साथ होता आज हम भी तेजी से ग्रो कर रहे होते, मतलब आबादी ज्यादा होती, यूनाइटेड होते, तो या फिर बांग्लादेश भी हमारे साथ रहकर नीचे ही आ जाता, बांग्लादेश का बड़ा करके होना था, सीधी सी बात है। ठीक है, उन्होंने 1971 में ठीक किया? नहीं, उन्होंने 1971 हमने उनको मजबूर किया कि वो ये इसको कहते हैं ना हॉब्सन चॉइस, एक वर्ड होता है, इडियम है, फ्रेज है, हॉब्सन चॉइस, उनको हॉब्सन चॉइस पे लेके चले गए कि उनके अलावा उसके अलावा रास्ता ही कोई नहीं था। अब माई फॉर मी आप इसको हिस्ट्री को प्रूव कर लें, पाकिस्तान बनाई बंगला स्पीकिंग लोगों ने था, पाकिस्तान की शुरू में देख लें मूवमेंट सारी ऑर्गेनाइजेशन देख लें, मुस्लिम लीग की स्ट्रक्चरलाइजेशन देख लें, वो सारी बंगालियों ने, सारी स्पिरिट, सारी रूह, सारी उसमें एनर्जी बंगाली लोगों की थी। ये लोग तो बाद में फैसल सदा अब्दी है, एक पीपल्स पार्टी का सेनेटर भी रहा है, उसने एक दफा बड़ी ज़बरदस्त बात की, है आउटस्पोकन आदमी, एक्सट्रोवर्ट आदमी है थोड़ा सा, एक दफा उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की, कहता पाकिस्तान पे वो लोग रूल कर रहे हैं जो सुबह उठे ना तो उनको पता चला था पाकिस्तान बन गया। ठीक है, समझ उनके पाकिस्तान को बनाने में
कंट्रीब्यूशन में सैक्रीफाइस उनका कोई रोल नहीं है। वो सुबह उठे उन्हें पता चली लो जी पाकिस्तान बन गया, वो लोग वो तबका रूल कर रहे हैं। आपने कहा बांग्लादेश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था अपना 1947 में पाकिस्तान बनाने में, तो मुझे ये बताएं बांग्लादेश ने अगर इंडिया से हम लोग सेपरेट हुए तो बंगालियों ने हमारी साथ दिया, तो आज इंडिया के साथ बंगालियों का रिलेशन तो बहुत अच्छा है, फिर पाकिस्तान क्यों नहीं रिलेशन अच्छा कर पा रहा? भाई जान पाकिस्तान को ये चीज़ सीखनी चाहिए अमेरिका और जापान के रिलेशन से, पाकिस्तान को ये चीज़ सीखनी चाहिए ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी के रिलेशन से, पाकिस्तान को ये चीज़ हिस्ट्री की जो बड़ी बड़ी वार्स यूरोप में हुई है ना यूरोपियन ममालिक में, वर्ल्ड वार हो चुकी, हाँ इतनी वारें हुई उनका सारा देखना चाहिए क्यों हुई, उसके बाद क्या नुकसान हुए, उसके बाद उन्होंने कैसे अपने G7 यूरोपियन यूनियन ये सारी फार्मूलेशन की क्या वजह बनी, ये तो इन लोगों को सोचना चाहिए। यहाँ पे थिंक टैंक ऊपर इतने बड़े बड़े बैठे हुए हैं, ये क्यों नहीं सोचते कि इतने मुताहर ममालिक जिन्होंने लाखों करोड़ों मार दिए एक दूसरे के, वो आपस में जनाब इस वर्ल्ड में अमन मान के ठेकेदार बने हुए हैं और इकॉनमी को वो रेगुलेट कर रहे हैं चैनलाइज कर रहे हैं, वो लोग एक सेंचुरी पहले की बात है, ये लोग आपस में गुत्थम गुथा रहे हैं, करोड़ों बंदे मार दिए इन्होंने, लेकिन अब वो देखो आपस में कैसे यूनियंस बना के बैठे हैं। दोस्तों आज बांग्लादेश पाकिस्तान से ज्यादा विकास कर चुका है और बांग्लादेश और इंडिया की दोस्ती को देखकर पाकिस्तान का ये हाल है।